हेलो फ्रेंड्स, आज हम टूल बॉक्स में से इरेजर टूल और वर्चुअल सेगमेंट टूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इरेजर टूल। इरेजर टूल के साथ वर्क करने से पहले आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। जैसे हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, देन उसमें हम कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद अगर आप इस ऑब्जेक्ट का कुछ एरिया इरेज करना चाहते हैं, पहले तो हम टूल बॉक्स में से इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे, या आप कीबोर्ड से एक्स प्रेस करके भी इरेजर टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इरेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इरेजर की अगर आप निब का साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इरेजर कैसे रखना चाहते हैं। सर्कल, अभी आपकी इरेजर जो है सर्कल में है। अगर आप इरेजर को स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इरेजर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसे सर्कल में चेंज करना चाहते हैं, तो हम दोबारा से इसी पे क्लिक करेंगे, तो वो सर्कल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम इस ऑब्जेक्ट का कुछ एरिया इरेज करना चाहते हैं, तो पहले हम उस एरिया पर क्लिक करेंगे जहाँ से हमें इसे इरेज करना है। जैसे हमें इसे यहाँ से इरेज करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ तक आप इसे इरेज करना चाहते हैं, वहां तक जाकर क्लिक कर देंगे, तो वो उतना एरिया उस ऑब्जेक्ट का इरेज हो जाएगा। ऐसे अगर हम पॉलीगन बनाते हैं, इस पॉलीगन का कुछ एरिया हम इरेज करना चाहते हैं, तो हम इरेजर टूल लेते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इरेज करना चाहते हैं, तो वहां पर आप क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे उस ऑब्जेक्ट का उतना एरिया इरेज हो जाएगा। अब ऐसे इसमें नेक्स्ट टूल है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट के साथ वर्क करने से पहले हमने फ्री हैंड टूल से एक फ्री हैंडली शेप क्रिएट की। अब जैसे हमने फ्री हैंडली शेप क्रिएट की, तो हम देख रहे हैं कुछ लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर हम इन इंटरसेक्टेड लाइंस को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम वर्चुअल सेगमेंट टूल के थ्रू उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम इस टूल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप जहां से जो लाइन ओवरलैप हो रही है, उस लाइन को आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे आप इस वाली लाइन को डिलीट करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे वो एरिया वहां से डिलीट हो जाएगा। आप उसके कॉर्नर पर रखकर क्लिक करेंगे, तो वो जो लाइन इंटरसेक्ट होगी, वो लाइन को उसे रिमूव करता जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, इसको कॉर्नर पे रख के क्लिक करना है, तो जो एरिया इंटरसेक्ट होगा, उस एरिया को आप वर्चुअल सेगमेंट के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। इसका यूज उन शेप्स के लिए होता है जो शेप्स काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं। उन कॉम्प्लेक्स शेप में से अगर आप कोई एरिया जो ओवरलैप हो रहा है, उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आप वर्चुअल सेगमेंट टूल के साथ उसे डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टूल बॉक्स में से इरेजर टूल और वर्चुअल सेगमेंट टूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इरेजर टूल। इरेजर टूल के साथ वर्क करने से पहले आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। जैसे हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, देन उसमें हम कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद अगर आप इस ऑब्जेक्ट का कुछ एरिया इरेज करना चाहते हैं, पहले तो हम टूल बॉक्स में से इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे, या आप कीबोर्ड से एक्स प्रेस करके भी इरेजर टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इरेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इरेजर की अगर आप निब का साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इरेजर कैसे रखना चाहते हैं। सर्कल, अभी आपकी इरेजर जो है सर्कल में है। अगर आप इरेजर को स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इरेजर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसे सर्कल में चेंज करना चाहते हैं, तो हम दोबारा से इसी पे क्लिक करेंगे, तो वो सर्कल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम इस ऑब्जेक्ट का कुछ एरिया इरेज करना चाहते हैं, तो पहले हम उस एरिया पर क्लिक करेंगे जहाँ से हमें इसे इरेज करना है। जैसे हमें इसे यहाँ से इरेज करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ तक आप इसे इरेज करना चाहते हैं, वहां तक जाकर क्लिक कर देंगे, तो वो उतना एरिया उस ऑब्जेक्ट का इरेज हो जाएगा। ऐसे अगर हम पॉलीगन बनाते हैं, इस पॉलीगन का कुछ एरिया हम इरेज करना चाहते हैं, तो हम इरेजर टूल लेते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इरेज करना चाहते हैं, तो वहां पर आप क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे उस ऑब्जेक्ट का उतना एरिया इरेज हो जाएगा। अब ऐसे इसमें नेक्स्ट टूल है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट के साथ वर्क करने से पहले हमने फ्री हैंड टूल से एक फ्री हैंडली शेप क्रिएट की। अब जैसे हमने फ्री